आपका स्वागत है हमारे चैनल माइनिंग गुरुजी पर। और मैंने इस ऑफलाइन काम किया था, काफी सारा काम किया था वैसे मैंने। और आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पूरी फेंसिंग फेंसिंग कर दी है इधर, और यहाँ से भी फेंसिंग कर दी थी मैंने, और मॉब फार्म तक फेंसिंग कर दी थी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, यहाँ तक मैंने पूरी फेंसिंग कर दी है। और यहाँ पर है ना जो मॉब फार्म, उसको मैंने साइड में लगा दिया है। और मैंने कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया है कि कोई भी मॉब है ना मेरे को बाहर से आके मार ना सके। ये देखिए गाइस, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और उसको मार सकता हूँ। मैं मॉब्स को, मैंने काफी सारे मॉब्स को मारा था, एक्सपीरियंस लेवल देख लो गाइस, मेरा 17 हो चुका है। और अब मैं ऐसे गिरूंगा भी नहीं, और डायमंड वाली जगह पर भी मैंने कर दिया था जुगाड़ सारा, मतलब फेंसिंग कर दी थी वहां पर भी। और मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या काम किया था। तो मैंने यहाँ पर लगा दी थी मेलन, ये देखिए गाइस, इस पे मेलन उगना शुरू हो चुके हैं। और ये जो है ना, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये वो है शिप, मैंने उसके लिए बनाया है, काउस के लिए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर 3 गाय स्पॉन हो चुकी हैं, बल्कि 4 हो चुकी हैं, और मैंने इनको वो खिलाया था जिससे ये बढ़ती जा रही हैं अब। और हमारे पास जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा बढ़िया है, धीरे धीरे हमारी फसल भी बढ़ती जा रही है, मतलब इसके लिए मैंने लगा दिया है। और गाइस सबसे बड़ी बात, मैंने नेदर पोर्टल को ओपन कर लिया है, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो लावा है ना, लावा यहाँ पर मेरा लावा था, और मैं ना नीचे से डर्ट कलेक्ट कर रहा था। तो ये देखिए गाइस, मैंने डर्ट भी कलेक्ट कर ली थी, 37 डर्ट आ चुकी है, मैंने नीचे से कलेक्ट कर लिए, काफी सारे डर्ट थोड़ी सी रह चुकी है। तो मैंने यहाँ से जब मैं इसमें डर्ट कलेक्ट कर रहा था ना, तो मैंने गलती से इस लावा वाले में ब्लॉक लगा दिया था, और लावा मेरा चला गया था गलती से, और फिर मैं बना नहीं पा रहा था ये, तो मेरे को नेदर फोर्ट्रेस बनाना पड़ा, नेदर पोर्टल। और इसमें से मैं लावा लाकर मैंने इसमें वापस डाल दिया। तो नेदर फोर्ट्रेस में अभी नहीं जाएंगे हम, नेदर में, और डायमंड पहले ले लेते हैं अपना। डायमंड शायद तक अभी तक जनरेट हो गया होगा, और डायमंड से याद आया गाइस, ये देखिए गाइस हमारे पास कितने डायमंड है, 7 डायमंड हो चुके हैं, हमारा लगभग एक स्टैक पूरा होने वाला है गाइस। और मैंने काफी सारे टूल्स बना लिए थे डायमंड के, और फिर भी हमारे पास काफी डायमंड हो चुके हैं, हर 3 मिनट बाद ये डायमंड रीजनरेट हो जाता है गाइस। तो ये सबसे बढ़िया चीज है इस सीरीज की। और अभी तक मेरे को बेड नहीं मिला है, और बेड बनाने का कोई तरीका प्लीज आप मुझे कमेंट करने के बताएं कि मैं बेड कैसे बना सकता हूँ जल्दी से जल्दी, और क्योंकि मेरे को बेड बनाना ही है गाइस, क्योंकि बेड बनाए बिना काम नहीं चलेगा। और मैं बनाऊंगा एक मॉब फार्म, मतलब मॉब फार्म तो क्या बनाऊंगा, मतलब जो छोटा सा होता है ना मोब वाला, उसको मैं बना लूंगा, और ऐसा बनाऊंगा कि नीचे गिरने से उनकी, मतलब वो मरे ना। और मैं चलता हूँ पहले बनाने के लिए उसको, थोड़ा सा सामान चाहिए हमें, ये चाहिए मुझे, और मैं ले लेता हूँ बाकी के ये वुड। तो भाई मैं वुड से ऊपर चढ़ूंगा थोड़ा सा, और ओके, और मेरे को थोड़े से कबल स्टोन और लेने होंगे, इसको तो मैं रख देता हूँ। और मैं ले लेता हूँ अपनी पिकेक्स, और एक लूंगा अपनी एक्स डायमंड की। तो पहले मैं थोड़े से ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, कम से कम मुझे तक पहुंचना है, 24 हो चुके हैं मेरे पास, और बहुत जल्द हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास एफिशिएंसी है। और 27 तो हो चुके हैं, 28, मेरे को लगभग 35 या 40 चाहिए, तो मैं टोटल 40 ही लूंगा गाइस, कोई रिस्क नहीं लूंगा मैं, और 40 लेकर चलेंगे मॉब फार्म बनाने के लिए अपना। और मैं आपको जोम्बी वाली जगह पर भी लेके जाऊंगा बाद में, लेके जाऊंगा लेकिन, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार पहले मैं मॉब फार्म बना लूंगा, उसके बाद में देखेंगे बाकी काम। तो शायद नहीं, एक और चाहिए हमें। तो गाइस अब काफ़ी हो चुका है हमारे पास, और मैं मेलन ले लेता हूँ एक खाने के लिए, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रही है इसमें। तो गाइस सवेरा होने वाला है, और काम शुरू करते हैं पहले अपने, बाद में देखेंगे। तो गाइस मैं चलता हूँ ऊपर, कहाँ से चलूँ मैं चलता हूँ उसके बीच वाली जगह से, यहाँ से ऊपर चलूँगा गाइस मैं कुछ इस जगह से। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइस मैं यहाँ पे बनाऊंगा 20 पे, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वो ज़ॉम्बीज़ जो स्पॉन होंगे यहाँ पे वो मर जाएंगे, मर जाएं, इसलिए मैं इसको यहीं लगा दूंगा। और मैं लगाऊंगा गाइस इस तरीके से, और 1 2 3, और मैं 2 लगाऊंगा इस तरफ, तो टोटल 5 का बनाऊंगा मैं। ओके गाइस, और मैं यहाँ पर बना दूंगा इसको 2 लेयर तक, वैसे शायद मैं एक ब्लॉक को तो और ले जा सकता हूँ, हाँ ले जा सकता हूँ, और मैं ले जाऊँगा इसको 2 ब्लॉक आगे, 1 2, और मैं इसको लगा दूंगा इस जगह पर, वैसे मैं इसको यहीं पे लगा दूंगा, पहले मैं इसको पूरा आगे तक ले जाता हूँ। और तो गाइस मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा, वैसे मैं एक और लगा देता हूँ, हाँ ओके गाइस इतना ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, और मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ऐसे मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन कोई मॉब्स हमारे बस उसके अंदर गिरने चाहिए, और उनकी हेल्थ बच जानी चाहिए थोड़ी सी,
वैसे मुझे लगता है कि हेल्थ बच जाएगी। और ठीक है गाइस, हमने सही काम किया है और मेरे को लगाने पड़ेंगे ये। मैं देख लेता हूँ एक बार मैं कहाँ से लगाऊंगा। तो गाइस अगर मैं 2 ब्लॉक यहाँ से छोड़ूँ तो फिर मेरे को 2 ब्लॉक यहाँ से छोड़ने होंगे। ओके गाइस, तो मैं 2 ब्लॉक छोड़ के लगा देता हूँ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से 1-2 ब्लॉक छोड़ के तीसरे पे लगाऊँ और यहाँ से 2 ब्लॉक छोड़ के तीसरे पे नहीं लगा सकता गाइस यहाँ पे, फिर तो मैं यहाँ से दूसरे पर ही लगाऊंगा इस जगह पर। और मैं इधर लगा दूंगा, वैसे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा गाइस यहाँ पे। मैं इस तरफ से देखता हूँ एक बार, तो मेरे को ये स्टोन्स वापस भी मिलेंगे या नहीं वो मुझे पता नहीं है। और मैं देख लेता हूँ एक बार, मिल गया मिल गया, एक गिर गया गाइस नीचे। कोई बात नहीं, मैं इस तरफ से देख लेता हूँ। तो एक नहीं, इस तरफ से मैंने देख लिया था, इस तरफ से देखूंगा मैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोड़कर एक लगाऊंगा, यहाँ पर एक छोड़कर एक लगाऊंगा, हाँ गाइस यहाँ से सही है और यहाँ से मैं लगा सकता हूँ सही तरीके से। तो मैं इस जगह से ही लगाऊंगा और यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ मैं। तो गाइस हमारे स्टोन्स खत्म हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तो क्या, बहुत बुरा है ये तो। और मेरे को थोड़े से और लाने चाहिए थे वैसे। कोई बात नहीं, अभी हम और ले आएंगे, काफ़ी जल्दी हो जाएगा हमारा काम, क्योंकि हमारे पास डायमंड की चीज़ें हैं। और मैं ले लेता हूँ ये चीज़ें। तो गाइस हमारे पास डायमंड की चीज़ है इसलिए काफ़ी जल्दी काम हो जाएगा, इसलिए मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे मैंने प्लैंक्स इसलिए लगाए थे क्योंकि जो ये जो है ना, इसको तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और एक ब्लॉक तो हमारा नीचे गिरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें एक ब्लॉक से कुछ कुछ नहीं करना है। ओ गाइस पेड़ बड़ा हो चुका है, पेड़ को हमें तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि पेड़ तो हमें वुड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हमारे पास सारी वुड खत्म हो चुकी है। और मैं आते वक्त यहाँ पर एक सैपलिंग भी लगा दूंगा ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाए। और मैं को थोड़े से तोड़ने पड़ेंगे थोड़े से। पहले एक बार मैं एक सैपलिंग निकाल देता हूँ गाइस। ये देखिए सैपलिंग कितनी है, 62 सैपलिंग हो चुकी है। मतलब मेरा काम आप धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और मेरे को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मिलती जा रही है। अब मैं स्टोन्स ले लेता हूँ थोड़े से। तो गाइस मैं ले लेता हूँ स्टोन पहले। ओके मेरे को थोड़े से चाहिए, वैसे ज़्यादा नहीं चाहिए। और मेरे को बटन भी बनाने पड़ेंगे गाइस, बटन वैसे मैं इसकी बना लूँगा। बटन नहीं बनाऊंगा ना मैं, तो इसको यूज़ नहीं कर सकता फिर मैं। और मैं चलता हूँ एक बार जाकर देखते हैं। ओ गाइस एप्पल मेरे को दिख रहा है एक, ठीक है भाई एप्पल मिल गया मेरे को। और क्या मैं इसको तोड़ सकता हूँ? ओके सही तोड़ लिया गाइस मैंने इसको। और हमारे पास शायद एक और नहीं है वैसे। कोई बात नहीं, एक और बड़ा हो जाएगा ना जब, तो मैं इसको उगा दूंगा। और मैं इसको रख देता हूँ, वैसे एक ही हमारे पास। तो चलते हैं गाइस वापस, एप्पल और भी है वैसे यहाँ पर, इनको भी मैं रख देता हूँ एक पहले। और मेरे को मेलन भी खाना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। मैं मेलन खा लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ मैं। देख रहे हो गाइस हमारे पास पहुँच चुके हैं। और मेलन बहुत जल्दी बढ़ जाता है इसके अंदर, वैसे मेलन से एक ही हेल्थ बढ़ती है, एक ही अंगर बार बढ़ता है मतलब। लेकिन कोई बात नहीं, काफ़ी मिल जाता है हमें एक बार में, 6 या 7 मिल जाता है एक मेलन से। तो अब हम चलते हैं गाइस ऊपर वापस, इस वाली जगह से चलना है क्योंकि मैंने छोड़ दिए थे 2 ब्लॉक। मुझे पता था कि मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ से आया था, तो मैं यहीं से लगा दूंगा इसको इस तरीके से। बस मैं ये चाहता हूँ ये जो मॉब्स है ना, ये नीचे गिर कर मरे ना, क्योंकि अगर स्पाइडर, हमें स्पाइडर चाहिए और स्पाइडर से मिलेगा हमें स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग से ही बना सकते हैं गाइस हम बैड। तो टूट जा भाई जल्दी से, आगे का काम करते हैं फिर। और ओके भाई लगा दिया मैंने, और अब मेरे को लगाने पड़ेंगे इसमें बटन। बटन मैं लगा देता हूँ, ये सारे के सारे बटन बना लेता हूँ इससे। ओके 27 के 27 बटन बना लिया मैंने। और मेरे को बटन लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से, एक मैं इधर लगाऊंगा एक मैं इधर लगाऊंगा। तो भाई इस बटन का फायदा ये होता है कि अगर ये जो ज़ोंबीज होते हैं ना, ये स्पॉन होते हैं और बटन्स को देख के इनको लगता है ये ब्लॉक है, उनको लगता है ये बटन है ना ब्लॉक है, तो वो इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो नीचे गिर जाते हैं जिससे वो मर जाते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है, और इसलिए बटन लगाना सबसे ज़रूरी है। अगर बटन नहीं लगाएंगे ना तो ये यूज़ ही नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर ज़ोंबीज तो स्पॉन होंगे लेकिन वो नीचे नहीं आएंगे, सिर्फ इसके ऊपर ही खड़े रहेंगे वो। इसलिए बटन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बटन लगा देता हूँ पहले फटाफट से, और होप करेंगे कि इसके ऊपर मॉब स्पॉन हो जाए बस, वरना मेरे को इसका लेवल बढ़ाना है या घटाना भी पड़ सकता है, वो तो हम देख लेंगे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो। भाई चलते हैं नीचे और देखेंगे कि यहाँ पर कोई स्पॉन होगा या नहीं, और मैं यहाँ पर लगा दूँगा ब्लॉक। वैसे मैं नीचे जाकर लगा पाऊँगा। तो गाइस यहाँ से नज़ारा देखो एक बार, और ये देखिए गाइस ऐसा हो चुका है ये कुछ।
और गाइस आपने स्किन स्किन के बारे में कमेंट करके बताया नहीं मेरे को, के बारे में कमेंट करके जरूर बताना अच्छी लगी या बुरी लगी, और देखेंगे फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं अगर आप कहोगे तो चेंज कर देंगे। और ये देखिए गाइस यहाँ से मेरा पूरा आइलैंड नज़र आता है इस तरीके का, तो चलते हैं गाइस नीचे पहले, बाद में करेंगे बाकी का काम, और ये जो प्लैंक्स है ना इनको मैं रख दूंगा संभाल के, बाद में यूज़ करेंगे इनको। तो मेरे पास जो ये 5 कबल स्टोन्स बचे हैं ना, इससे मैं क्या करने वाला था मैं भूल गया यार, मैं बताने वाला था आपको, मैं भूल गया यार मैं क्या बोल रहा था, पानी में भूल गया। और यहाँ पर क्या मैंने, हाँ ये पेड़ उग गया है, इसको भी तोड़ देते हैं पहले। तो ओके हमें लोग मिल चुका है थोड़ा सा। ओ गाइस मेलन भी उग चुका है, मेलन भी तोड़ेंगे और पहले लगा देते हैं यहाँ पे सैपलिंग। एक सैपलिंग की गाइस हमारे पास भरमार आ चुकी है सैपलिंग, ये देखिए गाइस और सैपलिंग आ चुकी है हमारे पास, और इसको मैं रख देता हूँ इसके अंदर। ये देख रहे हो गाइस 4 मिल चुके हैं मेरे को इससे, अब की बार 4 मिले हैं, लेकिन कई बार मेरे को सात सात भी मिल जाते हैं, तो मैं एक खा लेता हूँ और बाकी को रख दूंगा क्योंकि मेरे को रिसोर्स बचाना है। और गाइस मैंने मॉब्स को मारा था, ये देखिए रोटन फ्लैश में वो 30 मिला है, लेकिन उसमें सिर्फ ड्राउनर स्पॉन होते हैं इसलिए वो बहुत कम यूज होता है। और मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक गेट, गेट होता है ना वो लगाना पड़ेगा क्योंकि कोई भी वहाँ पे आ सकता है मेरे सामने। बस मैं गेट नहीं लगाऊंगा, मैं है ना दो ये लगा दूंगा, हाँ मेरे को यहाँ पर ही लगाने थे गाइज ये कबल स्टोन, अब मेरे को याद आया कि मुझे यहाँ लगाने थे ये, तो मैं इसको लगाऊंगा इस जगह पर इस तरीके से, और मैं इसको चाहूँ तो पीछे से ऐसे मार सकता हूँ मॉब्स को। वैसे मेरे को इसमें से नेदर फोर्ट्रेस में से आवाज़ आ रही है, लेकिन वो उसकी खुद की आवाज़ है इसलिए कोई वो बात नहीं है डर वाली। और मेरे को लगता है मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मिलेगा नहीं मेरे को, देखा मेरे को मिला नहीं, ये ऐसे ही होता है गाइस मेरे साथ, मैं कई बार इसको बर्बाद कर चुका हूँ। अब मैं इस पेड़ को काटने के बाद में अपने डायमंड ले आऊंगा पहले जो रीजनरेट हो चुके होंगे, क्योंकि हमें डायमंड की वेस्टेज नहीं करनी है, हमें डायमंड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। स्काई ब्लॉक में मरने के चांसेस है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड का आर्मर बनाना पड़ेगा, हमें जितनी ज़्यादा बार मिलेगा ना उतना ही बढ़िया होगा। और मैं ये लोग रख देता हूँ अपने, और ये कबल स्टोन्स बटन एक बार मैं ये लूँगा, और ओके गाइस ये मैं अपने पास ही रखता हूँ क्योंकि बार बार मेरे को लेने की जरूरत पड़ती रहती है। देख रहे हो गाइस कितनी सैपलिंग हो चुकी है हमारे पास, सैपलिंग हमारे पास भर भर के हो चुकी है अब, और अब चलते हैं अपने पास अपना डायमंड लेने चलते हैं पहले, हमारे पास काफ़ी डायमंड हो चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक डायमंड का आर्मर बना लूँ, तो देखेंगे डायमंड का आर्मर बना लेता हूँ शायद मैं बना ही लूँगा। तो आज एक अब एक डायमंड का आर्मर बना लेते हैं, जल्दी से आर्मर बना लेते हैं डायमंड का, क्योंकि फाइट कभी भी हो सकती है ज़ॉम्बीज से, और रात होती है मेरे को लगता है कि मॉब स्पॉन हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो देखेंगे। तो शायद 25 चाहिए ये डायमंड्स, 24 डायमंड्स चाहिए मुझे, तो मैं इसमें से थोड़े से और ले लूँगा, मैं इसमें 24 रख देता हूँ, और 21 22 23 24 शायद मुझे 24 ही चाहिए, बाकी देखेंगे। और मेरे को 2 डायमंड रखने इस तरीके से, मेरे को मिल जाएंगे शूज़, और मेरे को 4 डायमंड चाहिए इस तरीके से, ये मेरे को मिल जाएगी लेगिंग्स, और लेगिंग्स मिलने के बाद में मेरे को डालना पड़ेगा ये चेस्ट प्लेट के लिए, काफ़ी सारे सबसे ज़्यादा डायमंड्स है ना चेस्ट प्लेट में जाते हैं, और चेस्ट प्लेट भी मिल गई हमें, और अब मेरे को चाहिए ये चेस्ट प्लेट हमें मिल गई है, और अब मैं बनाऊंगा। अब मेरे को एक चीज़ और बनानी थी गाइस, हाँ हेलमेट, अरे भाई हेलमेट बनाना है मेरे को। तो गाइस हेलमेट बन चुका है हमारा, पूरा डायमंड का आर्मर तैयार हो चुका है, और मैं इसके अंदर डालूंगा कोई मतलब पावर्स वगैरह डाल देता हूँ मैं इसके अंदर अभी के अभी, क्योंकि तो हमारे पास एक्सपीरियंस लेवल देख रहे हो ना कितना है, एक्सपीरियंस लेवल हमारे पास 17 है। और अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और थोड़े से मैं वहाँ पे ब्लॉक लगा दूंगा गाइस उसकी जगह पर, और ब्लॉक्स मैं ले लेता हूँ ये वाले, और उसकी जगह पर लगा दूंगा लैपिश की जगह पर, और मेरे को पहले तोड़ना। तो गाइस देख लेते हैं पहले यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे को लगता है नीचे है वैसे, पर अगर मैंने इसको तोड़ दिया ना, ओ भाई अगर मैं नीचे जाता ना तो मैं मर जाता, शुक्र है मैं नीचे नहीं गया। और मैं इसकी जगह पर ये लगा दूंगा, हाँ इस तरीके से, और मेरे को इसी जगह पर भी लगाना पड़ेगा ये ब्लॉक, कैश के नीचे नहीं है भाई, मैं अभी मर जाता फिर से, मेरे को चाहिए लैपिश, लैपिश का ब्लॉक चाहिए मेरे को, लैपिश का ब्लॉक मिल जाए तो सही रहेगा, वो लैपिश का ब्लॉक शायद इस जगह पर हो सकता है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, नहीं है यहाँ पर, तो क्या इस जगह पर है, यहाँ पर लैपिश तो है वैसे, मैं देख लेता हूँ क्या हमें मिल जाए, ओ भाई हमें मिल गया, अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो, अगर मैं इस ब्लॉक को तोड़ दूँ तो क्या मैं गिर जाऊँगा, नहीं गिरूंगा, सही है भाई मिल गया मेरे को लैपिश।
मैं ये वाला लैपिस भी ले लेता हूँ, तो ये लैपिस का काम आता रहता है, और मैं ये भी ले लेता हूँ, यहाँ पर और भी है लैपिस, तो भाई काफी लैपिस हो चुका है हमारे पास, और ये वाला भी ले लेता हूँ। वैसे मैं लालच कर रहा हूँ बहुत बुरा वाला, और मेरे को लगता है मैं मर मुर ना जाऊँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं उठाऊंगा अब। तो गाइस बस इतना ही, और अब ले लेते हैं अपनी पावर्स। ओ भाई मैं यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ पर मेरे पास ये वाले ग्लोव है ना, मैं लगा देता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा। ओके तो हमारा काम हो चुका है, लैपिस आ चुका है हमारे पास, और अब मैं इसमें पावर डाल देता हूँ, ये देखेंगे एक्वा इन्फिनिटी ही डालूंगा गाइस मैं इसके अंदर, और इसके अंदर देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। क्या इसके अंदर सिर्फ दो ही, इसमें भी प्रोटेक्शन वन, इसमें भी प्रोटेक्शन वन, क्या लूंगा इसमें, इसमें से ये ले लेता हूँ प्रोटेक्शन वन, कम एक्सपीरियंस लेवल में मिल रहा है तो ये ले लेंगे, और इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल रहा है गाइस इसके अंदर, जो भी मिल रहा है पर ले लो। और मुझे पता ज़्यादा कुछ अच्छा मिलेगा नहीं इसके अंदर, जब तक हमारे पास काफ़ी सारे बुक शेल्फ नहीं आए थे। गाइस इसके अंदर मैं फैदर फॉलिंग ही डालूंगा, क्योंकि गिरने से थोड़ा सा खतरा बच जाएगा हमारा, और फैदर फॉलिंग डाल लिया मैंने, अभी हमारे पास काफ़ी लैपिश बचे हुए हैं। चलते हैं गाइस देखेंगे कि मोब हमारे स्पॉन होते हैं या नहीं, अगर होप करेंगे हो जाए वैसे बढ़िया ही रहेगा, और ड्राउनट भी हम मारेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको ड्राउनट वाली जगह पर भी ले जाऊंगा। तो गाइस मेरे को लगता नहीं हुआ वैसे अभी तक, तो पहले मैं अपना आर्मर पहन लेता हूँ डायमंड का, वैसे मेरे को गिरना नहीं है नीचे, अगर मैं नीचे गिर गया ना तो मेरा पूरा डायमंड का आर्मर चला जाएगा, और होप करेंगे कि वहाँ पर स्पॉन हो जाए, तब तक मैं डायमंड ले आता हूँ अपने, रिजनरेट हो गए होंगे अभी तक, हमने काफ़ी डायमंड खर्च भी तो करे हैं ना, तो हमें डायमंड को वापस भी लाना होगा जितने हमने खर्च किए होते, और वहाँ से मैं ले आया था नैदर वाले ब्लॉक, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियंस को मैं ले आया था, और मैंने नैदर उसी से बनाया था, उस जगह पर थे वो, और उसके अंदर एक आयरन और एक फ्लिंट था, तो मैंने उससे बना लिया फ्लिंट एंड स्टील। इसके अंदर वो चीज़ें पहले से दी हुई हैं जो हमें, जिसकी हमें जरूरत पड़ती रहती है, बहुत बढ़िया है गाइस, आप इसको जरूर डाउनलोड करना, मैंने आपकी डाउनलोड के लिए इसकी वीडियो बना दी है, और आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपको बस स्टील लॉन्चर डाउनलोड करना होगा, और मैं देख लेता हूँ अपना अगला चैलेंज, वैसे कुछ हार्ड चैलेंज था तो गाइस मैं देख लेता हूँ इसके अंदर, इसमें नहीं है वो, दूसरी वाली बुक में है, और मैं दूसरी वाली बुक में देख लेता हूँ एक बार, तो गाइस इसमें देखते हैं एक बार, कॉबल स्टोन गेट शाइनी डायमंड्स क्रिएट ए प्रॉपर एक्टिवेट ज़ॉम्बी स्पॉनर हो गया, गो टू नेदर एंड समन विदर एंड किल, ये विदर वाला सिस्टम क्या है इसमें को जरूर बताना एक बार, ये क्या है वहां पर विदर कैसे आ सकता है, और विदर तो हमें इसमें बनाना होता है ना, और सातवां हमारा चैलेंज सबसे हार्ड होगा, आठवां भी ड्रैगन वाला भी मुश्किल होगा वैसे तो, लेकिन ड्रैगन को मार देंगे हम, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मैं पहले तोड़ लेता हूँ अपना ट्री। तो भाई जब तक यहाँ पर कोई स्पॉन नहीं होता तब तक मैं ड्राउनट ही मारूंगा, और ड्राउनट के पास अभी मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ, अगर हमारी फसल बढ़ गई होती ना तो अब मैं एक लेदर ले सकता था, लेकिन हमारी फसल ज़्यादा बढ़ी नहीं है अभी, और मेरे को खाना भी खाना पड़ेगा, खाना खा लेता हूँ पहले मैं, और मेरे को मिल चुके हैं 10 लोग। तो भाई हमारा खाना काफ़ी सारा खाना है हमारे पास, ऐसे एप्पल भी हैं, वैसे ये रोटन फ्लैश कोई काम नहीं आएंगे इसलिए मैं इनको ही खा लेता हूँ, बस मैं मर ना जाऊँ इनको खाकर, वैसे उसकी उससे वो हो जाता है हंगर बार, वो वाला मिल जाता है मेरे को, पॉइजन वाला हंगर बार मिल जाता है इससे मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास ये पड़ा है फालतू में, तो मैं इसको ले लूँगा, और मैं इसको रख देता हूँ, और ले लेते हैं अपने शार्पनेस वाली पिकेक्स को, वैसे मेरे को लगता है कि मेरे को शार्पनेस 2 अभी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को उसके लिए वो बनाने पड़ेगा ना बुक शेल्फ, उसके ऊपर कोई स्पॉन क्यों नहीं हो रहा, स्पॉन हो जा भाई। तो भाई इसके ऊपर स्पॉन कैसे होगा वो भी मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, और ये देख रहे हो गाइस हमारा डायमंड का आर्मर पूरा हो चुका है, ये देखिए गाइस पूरा आर्मर तैयार हो चुका है हमारा, और हमारा मुंह देखो गाइस कैसा लग रहा है इसके अंदर। तो जाइए चलते हैं, पहले मैं आपको मॉब वो वाली जगह दिखा देता हूँ आपको, और फिर अगर ये वाला मॉब स्पॉनर काम नहीं कराना तो मेरे को वो बड़े वाला मॉब स्पॉनर बनाना पड़ेगा गाइस, पर उसके लिए पानी भी तो चाहिए ना, पानी भी नहीं है हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, ये देखिए गाइस डायमंड स्पॉन भी हो चुका है, और अब अभी ये मार भी नहीं पाएगा गाइस, ये देखिए गाइस हम इसको आराम से मार सकते हैं यहाँ से, क्योंकि तो ये पत्थर मैंने लगा दिया है ना, तो आप ये वाले ट्रिक जरूर यूज करना एक बार के लिए,
एक बार के लिए क्या, हमेशा के लिए यूज करना, और बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, आराम से आप मार सकते हो इनको। और मैं आपको एक बार नैदर का भी सीन दिखा दूंगा, अंदर से कैसा है नैदर। और मर जा भाई, पहले तू मर, मेरे को शार्पनेस टू मिल जाए, काम बढ़िया हो जाता है, एक्सपीरियंस लेवल आ जा भाई, आ जा, आ गया एक्सपीरियंस लेवल। और मैंने ये जो एरिया है ना, इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया था क्योंकि ये नीचे गिर रहे थे। और ओ भाई आ गया, आ गया मोब, आ गया। हमें रोटन फ्लैश मिल रहा है वैसे, उसका कोई ज्यादा काम तो नहीं है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं हम, कहीं कभी कभी खाने का काम आ जाएगा। तो गाइस वहां पर कोई स्पॉन क्यों नहीं हो रहा यार, वो समझ में नहीं आ रहा, वहां पे कोई स्पॉन क्यों नहीं होता, क्या पता इसमें, इस वाले स्काई ब्लॉक में कोई स्पॉन ना होता हो। और इधर आ जा भाई, इधर आ जा, अरे भाई इधर आ, आ जा आ जा आ जा, आ गया आ गया, हेडशॉट मारता हूँ तेरे को, हेडशॉट, ये ले हेडशॉट, ये ले हेडशॉट। एक्सपीरियंस लेवल गाइस हमारा 2 हो चुका है, लेकिन हम इसमें सिर्फ 6 को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास शेल्स नहीं है। हमारे पास काफी सारी काव हो जाएगी ना, फिर हमारे पास बहुत सारा लेदर आ जाएगा। वैसे रोटन फ्लैश भी दिखने में कुछ हद तक लेदर जैसा ही है, और हमारा डायमंड कारमल अभी तक सही है पूरा। अभी तो हम सिर्फ ड्राउनर को ही मार सकते हैं यार, ड्राउनर आ जा भाई, आ जा। मर तू मर, अरे ये डाउनलोड कई बार है ना, अपने हाथ में बढ़िया सा सामान ले आते हैं गाइस, तो मेरे को उसी सामान की तलाश है, क्या आप ये कुछ बढ़िया सा ले आए अपने हाथ के अंदर। मेरे को आयरन इंगट मिल जाएंगे ना, फिर बढ़िया रह जाएगा। और मेरे को गोल्ड भी चाहिए, गोल्डन एप्पल बनाने के लिए। मेरे को ना एक जोम्बी, वो वाला विलेजर जोम्बी चाहिए मेरे को, जिसको मैं विलेजर बना सकूं, वो विलेजर वाला जोम्बी ही चाहिए मुझे, और उसकी तलाश है मुझे। वैसे मैं इस वाले जोम्बी को शायद नहीं बना सकता ना, अगर मैं इस वाले जोम्बी को बना सकता हूँ ना, तो मैं टाइम जरूर बताना यार एक बार, कि मैं इस वाले से भी विलेजर बना सकता हूँ, ड्राउनर से। क्या वहां पर स्पॉन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ यार, क्या पंगा है इससे। तो भाई हमने मार लिए, इतने काफी हैं एक बार के लिए, और एक बार चलते हैं आगे, डायमंड लेके आते हैं पहले अपने। ओ भाई कितना नहीं है, मेरे को वहां से वो वॉल है ना, वो हटानी पड़ेगी क्योंकि मैं उससे गिर सकता हूँ उस वॉल की वजह से। और हमारा मैलन वोलन भी नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। और मैं ले आता हूँ पहले डायमंड्स। तो गाइस हमने हमने 24 डायमंड अभी तक खर्च किए थे, और इतनी देर में हमने अपने 9 या फिर 12 डायमंड कवर अप कर चुका हूँ मैं। और गाइस वापस आ चुका है वो वाला डायमंड, ये देख रहे हो कैसे रिजनरेट होता है इसके अंदर, बहुत बुरे तरीके से रिजनरेट होता है इसके अंदर, और बहुत मजा आया था रिजनरेट होने के बाद में। अनलिमिटेड डायमंड था गाइस यहाँ पर, सबसे बढ़िया सीरीज की बात मेरे को ये लग गया है, इसलिए मैंने ये सीरीज खेल लिया क्योंकि इसमें बेस्ट है ये डायमंड्स, डायमंड्स के लिए काफी सारे डायमंड मिल रहे हैं गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओ भाई मैं यहाँ पे सैपलिंग लगाने भूल गया यार, सैपलिंग सैपलिंग लगा जा, लग जा लग जा गाइस। एक और बात, इसके अंदर है ना अपने वो नहीं बना सकते, क्या कहते हैं उसको, कंपोस्टर। तो गाइस इसके अंदर हम कंपोस्टर नहीं बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बुरी चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ चाहिए बनाकर एक बार, और उसकी रेसिपी मुझे पता है। तो गाइस उसके अंदर ऐसे लगते थे, और मेरे को प्लैंक, हाँ प्लैंक चीज लगते हैं उसके अंदर। प्लैंक कहाँ गए हमारे, ये रहे प्लैंक। तो गाइस प्लैंक ये ऐसे लगते थे, और दो दो प्लैंक यहाँ पर ऐसे लगते हैं, एक दो एक दो, देख रहे हो गाइस कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर इससे कंपोस्टर बनता है और हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बिना कंपोस्टर के काम चलाना सीखना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास सैपलिंग काफी हो चुकी है, इसलिए मेरे को कंपोस्टर की जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, कंपोस्टर नहीं मिला। तो गाइस अब मैं आपको एक बार नैदर में जाकर दिखा देता हूँ, और अपना सारा सामान रख दूंगा, सिर्फ एक ये रखूंगा, मेरे को आयरन चाहिए गाइस, शील्ड बनाने के लिए आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे को, और मेरे को नैदर ढूंढना ही पड़ेगा। आओ गाइस पोटैटो हमारे बेक हो चुके हैं, देखो पोटैटो भी मैं, मेरे को मिल गए थे, मैं बताना भूल गया आपको। और एक हमें ये पॉइजनस पोटैटो मिला था, इससे पोशन बनता है गाइस। और मैं देख लेता हूँ हमारे डायमंड अब तक रिजनरेट हो गए होंगे शायद तक, वैसे हमारे पास एक और वीट आ जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वीट हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं।
मैं ना ये जो इसके ऊपर एक और ऐसा बना कर देखूंगा, मतलब थोड़े से ऊपर लेवल पे इसको और बना कर देखूंगा, लेकिन बाद में देखूंगा मैं ऑफलाइन बनाऊंगा वो। और जब तक ये यूज काम नहीं करेगा ना तब तक मैं इसको बनाता रहूंगा। और उससे पहले मेरे को क्या करना था, हाँ तो मैंने ये बना लिया था, और अब चलते हैं नदर में। वैसे नेदर फोर्ट्रेस तो मेरे को नहीं दिखा था आसपास, इसका मतलब है नेदर फोर्ट्रेस हमारे आसपास तो नहीं है, काफी दूर होगा थोड़ा सा, मतलब कितना भी दूर हो सकता है पता नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो जाता है, वैसे कोई बात नहीं। और ये देखो गाइस, ये है हमारा नेदर, लावा तो यहाँ पर अनलिमिटेड है, और मेरे को देखना पड़ेगा एक बार यहाँ पर आसपास कोई नेदर फोर्ट्रेस। ओ भाई कितना नहीं है भाई, नेदर फोर्ट्रेस कहाँ पर है इसके अंदर मेरे को अभी तक पता नहीं चला, मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, इसके अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर जाने की जगह भी है, तो मैं एक बार ऊपर चला जाता हूँ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये जो 1.12.2 है ना, इसके अंदर ये देखो गाइस कैसे लगते हैं ब्लॉक, इसके अंदर अजीब से लगते हैं इसके ब्लॉक्स। और मेरे को वहाँ पर एक वो दिख रहा है जिसको मैं मार के गोल्ड इंगट ले सकता हूँ, मतलब मेरे को गोल्ड इंगट मिल जाएंगे वहां से, और गोल्ड इंगट नो गोल्ड इंगट से गोल्ड मिल जाता है, तो मैं पहले उसको मार के आता हूँ एक बार के लिए, देख के आता हूँ कि यहाँ पे कोई जाने का रास्ता है नीचे, लगता तो है दो है वहां पर, और मेरे को उनसे बच बच के जाना पड़ेगा। काफी सारे हैं गाइस वहां पर, काफी सारे हैं वो, बहुत सारे हैं, मेरे को ब्लॉक्स भी लाने चाहिए थे, क्या मैं उनको मारने जाऊं? वहां पर एक और आ चुका है उसको मारूंगा मैं, जो हमारे घर के पास है उसको मारेंगे ना पहले, घर के पास तो क्या है ये थोड़ा सा दूरी है, घर से तो दूर है, और इसको मारूंगा मैं पहले। मर लग जा भाई लग जा, वही जिससे गोल्ड इंगट तो नहीं मिला पर रोटन फ्लैश ही मिला है, कोई बात नहीं। और अब मैं और वहां पर जाकर देखूंगा एक बार, मेरे को पता है मैं मरूंगा लेकिन कोई बात नहीं, जाकर देखते हैं क्या पता हम बच जाएं। वैसे वहां पर काफी सारे हैं, और हमारी हेल्थ वैसे भी कम हो चुकी है, खाना भी हम नहीं लाए, मेरे को ये खाना पड़ेगा रोटन फ्लैश, और मेरे को इसको हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एक है, उसको एक को पहले मैं मारूंगा, सबको तो एक एक करके मारूंगा। भाई मैंने गलत पंगा ले लिया यार इनसे, मेरे को ऐसे भागना पड़ेगा। अरे भाई मैं मर गया, भाई मैं मर गया, मुझे पता था मैं मरूंगा लेकिन फिर भी मैंने पंगे किए और मैं मर गया सच में ही। वैसे यार ये चीज मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई, यहाँ पर क्या चीज है ये, मेरे को रेड स्टोन नजर आ रहा है, यहाँ पर एक पिस्टन भी है गाइस, ओके पिस्टन है यहाँ पर, और मेरे को आया तो यार मेरे को पिस्टन तो नहीं चाहिए ना, मुझे आयरन चाहिए, यहाँ पर पिस्टन है यहाँ पर रेड स्टोन है, ये रेड स्टोन का मेरे को सिस्टम थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पर, ये इसमें से कुछ टूटता भी तो नहीं है ना, इसमें से कुछ तोड़ भी नहीं सकते, और इसको तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते, तो मेरे को जाना पड़ेगा नीचे, यहाँ पर कोई स्पॉन नहीं होता यार, यहाँ पर कोई मॉब क्यों नहीं स्पॉन होता, मेरे को बताओ यार एक बार। डायमंड वाले जनरेट हो चुके हैं यहाँ से ही नजर आ रहा है डायमंड्स, और हमें अपने डायमंड कारमर वगैरह सब कुछ लाना पड़ेगा। और रिस्पॉन गलत कूद गया यार मैं, कोई बात नहीं, बस चलो हो गया, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर सही कूदने की, और हमारा सब कुछ चला गया एक बार, मैं अपना सारा सामान ला ले आता हूँ वहां से, लाना पड़ेगा मेरे को सामान। और मेरे को कुछ ले जाना पड़ेगा ऐसा जिसके ऊपर मैं चढ़ जाऊं, और ये भी जल गई तो काम खराब हो जाएगा, मेरे को जाना पड़ेगा पर मैं देखता हूँ वापस जाकर। वैसे मुझे पता है मैं फिर से मरूंगा, अगर मैं डायमंड की आर्मर लेके मर गया ना तो मैं कैसे बच पाऊंगा यार, मेरे को ब्लॉक ले जाने चाहिए भाई। ओ भाई वापस मैं मर गया यार, बुरे तरीके से मार रहे हैं भाई ये तो, मेरे को एक बार मेरे को पीसफुल करके जाना पड़ेगा वहां पर, और मेरे को अपना एक बार सामान लाना पड़ेगा, और बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो गाइस एक बार मेरे को जाना ही पड़ेगा वहां पर, अपना सामान लाना पड़ेगा, मैंने गलत पंगा ले लिया उनसे। ओके तो गाइस देखा आपकी बार, मैंने एक बार में कर दिया ये, और गाइस एक तो अंदर तक आ चुका है मेरे को, उसको मारना ही पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पे कैसे आ गया तू, प्रेम 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 प्र
अंदर आ गया यार, ये तो बहुत गलत चीज है। ये तो हमें सिर्फ एक आयरन इंगट मिला यार, और उसके लिए हमने इतना बड़ा झमेला किया। तो भाई एक बार मेरे को जाना ही पड़ेगा वहां पर, मैं जाना अपना सामान लेके आना पड़ेगा मेरे को पहले, उसके लिए मेरे को पीसफुल करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार कर लिया तो कोई बात नहीं। और क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गलत पंगा ले लिया है मैंने, और अपना सामान लेके मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा गाइस। मैं अपना सामान ले आता हूँ पहले जल्दी से, और फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। टूट जा भाई, टूट जा तुम। हमारा डायमंड कार्मर भी तो था ना वहाँ पर, तभी मैं लेने जा रहा हूँ, वरना मैं लेने नहीं जाता ये सारा सामान। वो रहा गाइस हमारा एक्सपीरियंस लेवल वगैरह और हमारा सामान सारा। मिल जा भाई, मिल जा मेरे को। तुम्हारी एक चीज़ रह गई है शायद तक। हाँ मेरे शूज़ रह चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए। और शूज़ भाई, मेरे शूज़ तो वो रे, शुक्र है। हमारे पास इतना सारा डायमंड है, लेकिन फिर भी हम लालची हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, फिर भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते हमारे पास इतना डायमंड होने के बावजूद भी। और हमारी स्वॉर्ड कहाँ गई यार? अरे भाई मेरे पास स्वॉर्ड भी तो थी ना, मेरी स्वॉर्ड। ओ भाई मेरे को मेरी स्वॉर्ड दो यार। वो रही, मेरी स्वॉर्ड भी मिल गई मेरे को। वहाँ पर कैसे पहुँची मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ले लिए हमने। और अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस एक मॉब को मार दिया हमने, अपना मॉब स्पॉनर बना दिया जो कि काम नहीं करता। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार बिल्कुल भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।